एक्सट्रीम इंडिया। जी हाँ, 2024 का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर विश्व विजेता टीम इंडिया दिल्ली पहुंच चुकी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं पीएम आवास है, यहीं से ये टीम लगभग डेढ़ घंटे की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री से तमाम किस्से कहानियां शेयर करने के बाद अब रवाना हुई है एयरपोर्ट के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा पल, इससे भी बड़ा जुलूस अभी बाकी है। जी हाँ, मुंबई में एक बड़ी परेड होनी है, रैली होनी है, जुलूस निकाला जाना है। टीम इंडिया का विजयी महोत्सव मनाया जाएगा नरीमन पॉइंट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक। वानखेड़े स्टेडियम एक बार फिर गवाह बनेगा टीम इंडिया के लिए, भारत के लिए, उस सम्मान के पल के लिए, सम्मान के पूरे एक दिन के लिए जिसको आज पूरा देश देख रहा होगा। आपको फिर बता दें कि पूरा शेड्यूल टीम इंडिया का दिल्ली से शुरू होता है। सुबह सुबह फ्लाइट लैंड करती है, फ्लाइट लैंडिंग के बाद सारे खिलाड़ी पहुँचते हैं होटल रूम, वहाँ पर शानदार जानदार स्वागत किया जाता है और वो स्वागत इतना बेहतरीन होता है कि एक शानदार केक की भी तस्वीर सामने आती है, जिस केक को स्पेशली डिज़ाइन किया गया था वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ, डिज़ाइन किया गया था तमाम BCCI के लोगों के साथ, भारतवासियों के प्रेम के साथ, तिरंगे झंडे के साथ, तीन रंगों के साथ। और उस केक कटिंग समारोह के बाद, ढेर सारा प्यार लेने के बाद टीम इंडिया सीधे पहुंची यहाँ, यानी कि पीएम आवास, रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत हुई, तमाम अनुभवों को शेयर किया गया, साझा किया गया और अब टीम निकल चुकी है वापस होटल के लिए। होटल से जल्दी से उन्हें रवाना होना है एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट से मुंबई पहुंचेगी ये टीम। मुंबई में वो बड़ा जुलूस होना है, वो परेड, वो रैली निकाली जाएगी जिसका इंतज़ार 2007 के बाद से तमाम भारतवंशी कर रहे हैं। 2007 में पहला वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता और अब दूसरा वर्ल्ड कप आया है 2024 में। बारबाडोस का वो मैदान, बारबाडोस का वो स्टेडियम जिसमें दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से रौंदा था टीम इंडिया ने। रोहित शर्मा ने झंडा गाड़ दिया था, झंडा गाड़ के रोहित शर्मा वापस आए हैं, भारत आए हैं, ट्रॉफी लेकर आए हैं। अभी हमने यहाँ से देखा खिलाड़ी जा रहे थे, खिलाड़ियों के हाथ में ट्रॉफी थी, वो ट्रॉफी कहीं नहीं छूटने वाली। उस ट्रॉफी के साथ तमाम पोस्ट आई है, उस ट्रॉफी के साथ कई ऐसे मीम्स बने हैं जो मीम आपको तरोताजा कर देते हैं, भारत को गौरवान्वित होने पर महसूस करते हैं। कैसा देश, 1.5 बिलियन लोगों का देश, जिस देश में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, वो एक भावना है, वो इमोशन है, उसके साथ लोग बड़े होते हैं, खेलते हैं, बच्चे खेल खेल के ही बड़े होते हैं और पेरेंट्स सब बहुत प्यार करते हैं इस खेल को। भारतवासियों ने, रोहित शर्मा की पलटन ने मौका दिया है टीम इंडिया को पूरे देश को एक बार फिर गौरव से भर जाने का, इस जश्न में डूब जाने का।